गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 51 में, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए ये चैप्टर थोड़ा आपका थ्योरेटिकल है, इसमें मैं थोड़ा आपको कुछ थ्योरी समझानी पड़ेगी तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, देयर आर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। आप पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन में एक पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं। यू ऑल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। आपको ये पता है कि पोजीशन जो होती है पॉइंट की लाइन में, हम उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये भी पता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। देयर आर मेनी अदर सिचुएशंस इन विच टू फाइंड द पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ता है पॉइंट को, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें एक पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम डिस्क्राइब करें उसकी पोजीशन को विथ रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप कंसीडर करिए फॉलोइंग सिचुएशन को। इन फिगर 3.1 में देयर इज़ अ मेन रोड रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रीट्स विथ नंबरिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए, ये एक मेन रोड है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ठीक, और यहाँ पे स्ट्रीट्स बनी हुई हैं और स्ट्रीट में नंबरिंग दी हुई है वेस्ट टू ईस्ट में। ये देखिए, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7 एंड स्ट्रीट 8। ठीक है, ये एक मेन रोड है और यहाँ पे स्ट्रीट दी हुई है सारी। ठीक है, ऑल्सो ऑन ईच स्ट्रीट हाउस नंबर्स आर मार्क्ड। हर एक स्ट्रीट में हाउस नंबर मार्क्ड है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए सब स्ट्रीट में हाउस नंबर मार्क्ड हैं। टू लुक फॉर ए फ्रेंड्स हाउस हेयर इज इट इनफ टू नो ओनली वन रेफरेंस पॉइंट। यहाँ अगर आपको किसी फ्रेंड का हाउस ढूंढना है, घर ढूंढना है, तो उसके लिए क्या ये काफ़ी है कि आपको सिर्फ वन रेफरेंस पॉइंट पता हो। फॉर इंस्टेंस इफ वी ओनली नो दैट शी लिव्स ऑन स्ट्रीट 2, वी विल बी एबल टू फाइंड हर हाउस ईजली। देखिए नॉर्मली अगर देखिए, अगर हमें फाइंड करना है अपनी फ्रेंड का हाउस जो है स्ट्रीट 2 में, तो क्या हम एबल है कि फाइंड कर पाएं? नो, नॉट एज ईजली एज वेन वी नो टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। नॉट एज ईजली एज वेन वी नो टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इतना ईजी नहीं होगा जब तक कि हमें दो इन्फॉर्मेशन ना पता चले उसके बारे में। कौन सी? द नंबर ऑफ स्ट्रीट ऑन विच इट इज सिचुएटेड, नंबर ऑफ स्ट्रीट जिसमें वो मतलब उसका घर है, एंड उसका हाउस नंबर। ठीक है, इफ़ वी वॉन्ट टू रीच द हाउस विच इज सिचुएटेड इन द सेकेंड स्ट्रीट एंड हैज़ द नंबर 5, अगर हमें पहुंचना है एक हाउस में जो सिचुएटेड है सेकेंड स्ट्रीट में एंड हाउस नंबर 5 में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड आइडेंटिफाई द सेकेंड स्ट्रीट। उसके लिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सेकेंड स्ट्रीट कहाँ है, वो यहाँ पे है, एंड देन द हाउस नंबर। उसके बाद उसमें हाउस नंबर देखेंगे, ये रहा हाउस नंबर 5। तो आपको जो ये पॉइंट H है ये शो कर रहा है लोकेशन ऑफ द हाउस। सिमिलरली P शोज द लोकेशन ऑफ द हाउस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रीट नंबर 7 एंड हाउस नंबर 4। इसी तरह आपको जो पॉइंट P है, देखिए पॉइंट P है जो आपकी स्ट्रीट 7 में है, वो शो कर रहा है हाउस नंबर 4 को। ठीक है, तो मतलब आपको ये बताया गया है कि एक लोकेशन एक पॉइंट की कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, ये मेन रोड है, ये स्ट्रीट दी हुई है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 52 में। सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर है, उसमें मान लीजिए आपने एक डॉट पुट किया। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक है, इफ़ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, अगर हम आपसे पूछें कि उस डॉट की पोजीशन आप पेपर में कैसे बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे आप कैसे बताएंगे, तो परहैप्स यू विल ट्राई इन सम सच मैनर, तो आप कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे। द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर, जो डॉट है अपर हाफ में है ऑफ द पेपर के, और इट इज़ नियर द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, जो ये पेपर की लेफ्ट एज है इसके पास में है, और इट इज़ वेरी नियर द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द शीट, ये बहुत ही पास है लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द
शीट के ये लेफ्ट हैंड है, उसका अपर कॉर्नर ये है, उसकी शीट के ये बहुत ही पास में। या तो आप इस तरह बताने की कोशिश करेंगे, डू एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट प्रिसाइजली। क्या ये तीनों सिचुएशन जो है इसमें से कोई एक भी सिचुएशन अच्छी तरह यहाँ पे फिक्स हो रही है? नहीं, कोई भी अच्छे से फिक्स नहीं हो रही है। तो आप क्या कहेंगे? तो अगर आप ये कहेंगे द डॉट इज नियरली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, मतलब जो डॉट है 5 सेंटीमीटर अवे है, यानी दूर है फ्रॉम द लेफ्ट साइड लेफ्ट एज ऑफ द पेपर के, तो इट हेल्प्स टू गिव सम आइडिया बट स्टिल डज नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट। ये आपको कुछ आइडिया देगा डॉट की पोजीशन के बारे में, लेकिन उस पोजीशन मतलब उस जगह फिट फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अ लिटिल थॉट माइट अनेबल यू टू से दैट द डॉट इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर अबव द बॉटम लाइन। तो आप ये कहेंगे उसके बाद कि जो आपका डॉट है वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर तो है, लेकिन वो 9 सेंटीमीटर एबव है बॉटम लाइन की। ये बॉटम लाइन है, इससे 9 सेंटीमीटर ऊपर है, ये बताएंगे। तो वी नाउ नो एग्जैक्टली वेयर द डॉट इज, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डॉट कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शीट ऑफ पेपर में हमने डॉट पुट किया, ठीक। अब डॉट पुट करने के बाद हम उसे कैसे लोकेट करेंगे, उसकी पोजीशन को कैसे बताएंगे कि वो कहाँ है? तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि वो लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर अवे है, दूर है, एंड बॉटम लाइन के 9 सेंटीमीटर एबव है। तो उससे हमें डॉट की ओरिजिनल मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। ये देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेफ्ट एज से एंड बॉटम लाइन के ऊपर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। For this purpose, we fix the position of the dot by specifying its distances from two fixed lines, the left edge of the paper and the bottom line of the paper. ठीक है, तो डॉट की जो भी है मतलब पोजिशन फाइंड करने के लिए हमने दो फिक्स लाइन लेफ्ट एज एंड बॉटम लाइन ऑफ द पेपर उसको देख कर हमने डिस्टेंस की बताई, ठीक है, और उसे यहाँ पर शो किया है। In other words, we need to independent informations for finding the position of the dot. और हम ये कह सकते हैं अलग शब्दों में कि इस डॉट की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, एक यहाँ से डिस्टेंस और एक यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप एक्टिविटी 1 सीटिंग प्लान, ठीक है। देखिए ड्रॉ ए प्लान ऑफ द सीटिंग इन योर क्लास रूम पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर। आप एक प्लान ड्रॉ करिए, प्लान ऑफ अपने क्लासरूम की सिटिंग का, सभी डेस्क को एक साथ पुश करके। रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय अ स्क्वायर, हर एक डेस्क को एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कीजिए। इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग द डेस्क, हर एक स्क्वायर में नाम लिख दीजिए स्टूडेंट का जो उस डेस्क में है, ऑक्यूपाई कर रहा है उस डेस्क को, ठीक है, जिसे स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। पोजिशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास रूम इज डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली बाई यूजिंग टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। जो पोजिशन होगी हर एक स्टूडेंट की क्लास रूम में वो डिस्क्राइब की जाएगी यूज करके टू इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। द कॉलम इन विच शी और ही सिट्स, वो कॉलम जिसमें कोई भी बॉय या गर्ल बैठा है। द रो इन विच शी और ही सिट्स, और वो रो को देखकर जिसमें वो लड़का या लड़की जो भी बॉय या गर्ल बैठा है उसको देखकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिटिंग प्लान अरेंज ड्रॉ करेंगे, अपनी क्लासरूम की जितनी भी डेस्क होंगी उसको एक साथ रख देंगे और एक स्क्वायर, हर एक डेस्क जो है एक इसको हम एक स्क्वायर के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, और हर एक स्क्वायर में मतलब जिस डेस्क पे जो स्टूडेंट बैठा है ऑक्यूपाई कर रहा है जिस डेस्क को, उस पे उसका नाम लिख देंगे जो रिप्रेजेंट होगा एक स्क्वायर से। फिर जो पोजीशन होगी स्टूडेंट की क्लासरूम में उसे हम कैसे मतलब दो इंडिपेंडेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए पता करेंगे, पहली कॉलम जिसमें वो बैठा है एंड रो जिसमें वो बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइंग इन द 5th कॉलम एंड 3rd रो, इफ़ यू आर सिटिंग, अगर आप बैठे हैं डेस्क में जो है 5th कॉलम में एंड 3rd रो में, ठीक है, योर पोजीशन कुड बी रिटन एज 5-3। अगर आप बैठे हैं डेस्क में 5th कॉलम में एंड 3rd रो में, तो आपकी पोजीशन किससे रिप्रेजेंट होगी, आपकी जो पोजीशन उसको रिटर्न करेंगे एज 5-3। देखिए जरा फिगर में, यहाँ पे ये 5th कॉलम एंड 3rd रो, तो ये वाला बॉक्स है आपका, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप
बैठे हैं, तो ये रिप्रेजेंट होगी 5.3 से, ठीक है। फर्स्ट राइटिंग द फर्स्ट हम राइटिंग करेंगे कॉलम नंबर, देन लिखेंगे हम रो नंबर। इज दिस द सेम एज 3.5? क्या ये वो सेम होगा 3.5 के? नहीं, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले हमने कॉलम नंबर लिखा फिर रो नंबर लिखा यहाँ पे, लेकिन 3.5 हो गया तो फिर यहाँ पे कॉलम 3 हो जाएगा और रो 5 हो जाएगी, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। राइट डाउन द नेम्स एंड पोजीशंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपको नेम्स एंड पोजीशंस लिखने हैं अदर स्टूडेंट के जो हैं आपके क्लास के। फॉर एग्जाम्पल, इफ सोनिया इज सिटिंग इन द फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट, अगर सोनिया जो है बैठी है फोर्थ कॉलम की फर्स्ट रो में, तो उसकी क्या लिखेंगे हम, राइट करेंगे S41। तो ये देखिए यहाँ पे शो है, ये रहा फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम की ये फर्स्ट रो, मतलब यहाँ पे वो बैठी है सोनिया, ठीक है। जो टीचर की डेस्क है वो पार्ट नहीं है आपके सिटिंग प्लान का, ठीक है, हम ट्रीट कर रहे हैं टीचर को एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 53 में। देखिए इन द डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हुआ उससे आपको कुछ चीज़ें पता चली होंगी कि हम किसी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें किन दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन द डिस्कशन एबव यू ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जितना भी हमने डिस्कशन किया कि उसमें किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लाइन मतलब बताने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत होती है। डॉट के केस में हमें डिस्टेंस पता मतलब चाहिए थी उसकी दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से एंड द बॉटम लाइन से, और सिटिंग प्लान में, इन केस ऑफ सिटिंग प्लान में हमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो चाहिए था कि कौन से नंबर ऑफ कॉलम में है, नंबर ऑफ रो में है, ठीक है। ये आइडिया हमें This idea has far-reaching consequences and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry. जी, ये जो आइडिया है ये राइज मतलब किया है एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमारा मेन एम है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को के उसे, और आप पढ़ेंगे जरा इसके बारे में हायर क्लासेस में, ठीक है। ये स्टडी जो है आपकी इनिशियली डेवलप की गई थी बाय फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेनीस डेस्कार्टेस के द्वारा, ठीक है। और जो सिस्टम यूज किया जाता है डिस्क्राइबिंग करने के लिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को इन अ प्लेन में, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को इन अ प्लेन में, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। आप ये थोड़ा थ्योरी पढ़िएगा, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको पढ़ने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए मैंने इसे समझा दिया है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.1, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज 3.1, आप इसे घर में अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।